ये प्रोसेस मैं आपको मेरे कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ, ये आप अपना स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस लिंक में क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल में क्लिक करना है। अगर आप फोन में यूज़ कर रहे हो तो आप इसके ऊपर टच करना है आपको। देन आपको वो पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लेना है जिसके पेजेस में आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हो। अभी आपका हर एक पेज यहाँ पे ऐसे लोड हो जाएगा। देन अभी आप देख सकते हो कि ये जो लाल डॉट है मतलब आपका पेज नंबर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे हो गया कि मिडिल में, आप मिडिल में पेज नंबर दे सकते हो, लेफ्ट में दे सकते हो, राइट में दे सकते हो, ऊपर में भी दे सकते हो। बस ये तीन ब्लॉक आप यूज़ नहीं कर सकते। अभी ये हो गया सिंगल पेज। अभी यहाँ पे फेसिंग पेजेस भी है, मतलब ऐसे पेज नंबर आप यहाँ पे एक ही साइड में ऐड कर सकते हो ऐसे। तो मैं सिंगल पेज ही करूँगा। एंड उसके बाद आते हैं मार्जिन। समझ लो कि ये जो पेज नंबर आपने यहाँ पे दिया है, समझ लो कि मैं यहाँ पे देता हूँ, तो आपका जो कंटेंट है पेजेस में वो थोड़ा सा कवर हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको स्मॉल कर दो। तो ये क्या होगा, और भी कॉर्नर की तरफ हट जाएगा। एंड अब अगर आप बिग करते हो तो ये और भी अपना आपका जो कंटेंट है उसके तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्मॉल ही रखता हूँ। एंड उसके बाद आते हैं कि फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट जो नंबर है इसको आप क्या देना चाहते हो। मतलब फर्स्ट जो नंबर है इसको आपको ऐसा नहीं कि आपको वन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो आप अगर अभी इसको सेव कर देते हो तो अभी ये फर्स्ट जो होगा ये वन होगा, एंड जो लास्ट होगा वो जितना पेजेस आप ऐड किए हो वो लास्ट वाला पेज नंबर उतना ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट का पेज नंबर जो है उसको आप तीन दे सकते हो। मतलब यहाँ से जो फर्स्ट पेज है ये तीन कहलाएगा, ठीक है, ये चार कहलाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड आप और एक चीज़ कर सकते हो कि कौन सा पेजेस से पेज नंबर स्टार्ट होगा, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कवर पेजेस रहता है, मतलब फर्स्ट पेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, जो हम पेज नंबर में काउंट नहीं करते। हमारा कंटेंट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम पेज नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसे समझ लो कि हमारा ये फर्स्ट फोर पेजेस हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, वहाँ पे हम पेज नंबर नहीं ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे जस्ट फोर कर देना है। ठीक है, ये जो चार पेजेस आप देख सकते हो कि पेज नंबर का कॉलम हट गया यहाँ से, एंड आपका पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट पेज कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको पेज नंबर फोर ही देना है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे फोर कर दो, तो ये क्या होगा कि ये पेज नंबर फाइव कहलाएगा। मतलब यहाँ से पेज नंबर फाइव कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई पेज नंबर का ना कॉलम होगा ना पेज नंबर होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे ओनली पेज नंबर दे सकते हो, या फिर आप पेज नंबर ऑफ टोटल पेजेस ऐसे फॉर्मेट में भी दे सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका ये लिखा आएगा कि पेज, जैसे इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आएगा ऐसे पेज 7 of 36, मतलब 36 पेजेस में ये पेज नंबर 7 है, इतना लिखा आएगा। एंड यहाँ पे आप कस्टम में भी लिख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे अगर नंबर में 1 ना लिख के आप लेटर में 1 लिखना चाहते हो, मतलब ONE लिखना चाहते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे आप लिख दो ONE, एंड टेक्स्ट फॉर्मेट, कलर, अंडरलाइन, इटैलिक, आप बोल्ड, ये सब कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐड पेज नंबर में क्लिक कर देना है, यहाँ पे पेज नंबर ऐड हो जाएगा। एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करके देख लेते हैं हुआ कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज में कोई पेज नंबर नहीं है, हमने यहाँ पे पेज नंबर लगाया था, ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे कोई पेज नंबर नहीं है। 2, 3, 4, ये जो पेज नंबर है ये मेरा पहले से था। ठीक है, मतलब ये मेरे जो PDF का पेजेस था उसमें पहले से ये पेज नंबर दिया हुआ था, इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा कंटेंट के अंदर ही है। लेकिन ये जो हमने पेज नंबर ऐड किया, आप देख सकते हो कि 5th पेज से पेज नंबर 5 यहाँ पे हमने दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो 6, 7, 8, 9, ये सब यहाँ पे दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि जब भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिले।